दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो इसको कई बार कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आखिरकार इंटरनेशनल ट्रेड की क्या वजह है, ये समझाने का प्रयास एडम स्मिथ ने किया था। और एडम स्मिथ के द्वारा एक थ्योरी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज को एक तरीके से इम्प्रूव करते हुए जो डेविड रिकार्डो हैं उन्होंने थ्योरी डेवलप की जिसको हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट। और बेसिकली उन्होंने बताने का ये प्रयास किया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है देशों के बीच में, उसकी वजह है दो देशों में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनका डिफरेंट होना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, आपको मेरी बात आराम से समझ में आ जाए। जिसके लिए देखिए, अगर मान लीजिए इंडिया जो है, इंडिया और मान लीजिए नेपाल, हम दो देश लेके चल रहे हैं नेपाल, और ये शर्ट बना रहे हैं, शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इंडिया में मान लीजिए 100 रुपीज की शर्ट है, अभी हम रुपीज के टर्म में बात कर रहे हैं, और नेपाल में मान लीजिए 80 रुपए की शर्ट है, 80 रुपए की शर्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस्ट डिफरेंट है, कॉस्ट का जो डिफरेंस है, उसी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। यानी कि इंडिया के लिए अच्छा ये रहेगा कि वो अपने यहां शर्ट ना बना के नेपाल से मंगा ले, क्योंकि नेपाल में वो शर्ट 80 रुपए की है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पे हम जो आपको समझाने वाले हैं वो समझाने वाले कंपेरेटिव कॉस्ट एनालिसिस के बारे में। कुछ बेसिक बातें आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात ये, तो ये आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि डेविड रिकार्डो की बुक का नाम क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन उनकी किताब का नाम था, जिसमें उन्होंने अपनी इस थ्योरी को डेवलप किया। हालांकि बाद में कई सारे इकोनॉमिस्ट ने, जैसे जे एस मिल ने, टॉजिंग ने, हेबरलर ने, इन सबको डेवलप किया। इन सब की थ्योरी भी हम आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि एवरी कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच द कंट्री हैज ग्रेटर कंपेरेटिव एडवांटेज। यानी कि जिस गुड्स के प्रोडक्शन में किसी कंपनी को किसी कंट्री को कंपेरेटिव एडवांटेज होगा, उसके प्रोडक्शन में वो स्पेशलाइजेशन करेगा, उस वस्तु का प्रोडक्शन करेगा, और जिस चीज में उसकी कंपेरेटिव कॉस्ट ज्यादा होगी उस चीज को इंपोर्ट कर लेगा। यानी कि जिस चीज को बनाना इंडिया में महंगा होगा उसको इंडिया नेपाल से इंपोर्ट कर लेगा, और जिसको बनाना इंडिया में नेपाल के मुकाबले सस्ता होगा उसको वो एक्सपोर्ट कर देगा। जिसी थ्योरी को हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट। तो तीन तरीके की कॉस्ट डिफरेंस होते हैं। जैसे पहला है इसमें, पहले अच्छा हम कुछ अजम्पशंस हैं, पहले आप वो अजम्पशन समझ लीजिए, उसके बाद हम थ्योरी को आगे डेवलप कर देंगे। बेसिकली थ्योरी में हम ये सिंपल करने के लिए मान के चल रहे हैं कि दो ही देश हैं, यानी कि इस पूरी थ्योरी में हम दो देशों की मान्यता को लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए नेपाल और इंडिया की बात हमने आपसे कर ली है। इसके अलावा दो गुड्स का वो प्रोडक्शन करेंगे, एक्स गुड्स और वाई गुड्स को। इसके अलावा हम ये थ्योरी जो है वो लेबर पर बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर ये माना गया है कि लेबर इज दी ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पे दो फैक्टर को ना मान के केवल लेबर को ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया है, ये इसकी अजम्पशंस है। दूसरा, ऑल यूनिट ऑफ लेबर आर होमोजीनियस, प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न। यानी कि अगर आपका एक लेबर 100 शर्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, एक लेबर, तो दो लेबर 200 शर्ट का प्रोडक्शन करेंगे, तीन लेबर 300 शर्ट का प्रोडक्शन करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल की जो एजम्पशन है वो हम इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली इमोबिल विद इन द कंट्री बट परफेक्टली इमोबिल बिटवीन दी टू कंट्री। यानी कि एक देश के साधन एक जगह से दूसरी जगह तो जा सकते हैं, यानी कि इंडिया का साधन नेपाल नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि इंडिया का फैक्टर, इंडिया के जो साधन है वो एक्स गुड्स बनाने में
एफिशिएंट है तो वो नेपाल चले जाएंगे, वो इंडिया में ही रहेंगे, सिंपल सी बात ये है इसकी। इसके अलावा देयर इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को लाने ले जाने में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड इज फ्री फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं कर रखा है, इसका मतलब किसी भी तरीके का टैक्स या नॉन टैक्स बैरियर नहीं खड़े किए हैं। इसके अलावा देयर इज परफेक्ट कंपटीशन बिटवीन गुड्स एंड मार्केट। तो अब हम बच्चों जो हमारे एजम्पशंस हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, अब हम अपनी थ्योरी को आगे समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि तीन तरीके के कॉस्ट डिफरेंट होते हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस जो कि एडम स्मिथ के द्वारा समझाया गया था, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस और इक्वल कॉस्ट डिफरेंस। थ्योरी हमें ये बताने का प्रयास करेगी कि अगर आप इक्वल कॉस्ट डिफरेंस है तो इंटरनेशनल ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं होगा, ट्रेड में फायदा तभी होगा जब या तो एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस हो या कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस हो। तो अच्छा बच्चों यही रहेगा कि आप एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंट और इक्वल कॉस्ट डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ लें। तो इस वाली वीडियो में बच्चों मैं आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस और इन कॉस्ट को समझाने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए दो देश हैं नेपाल और इंडिया, नेपाल और इंडिया। एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस तब कहलाएगा जब नेपाल वाई वस्तु बनाने में एफिशिएंट हो और इंडिया जो है वो एक्स गुड्स को बनाने में एफिशिएंट हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका मतलब इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो वाई में कम है और इंडिया की एक्स में कम है, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। और एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। कंपेटिटिव कॉस्ट डिफरेंस तब कहलाता है जब एक देश यानी कि मान लीजिए इंडिया जो है उसके यहां एक्स बनाना और वाई बनाना दोनों ही सस्ता है, यानी कि बोथ आर चीपर, दोनों ही चीपर है। एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस में इंडिया में एक्स बनाना सस्ता था, नेपाल में वाई बनाना सस्ता था। जब हम कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात करते हैं तो इंडिया में दोनों गुड्स, एक्स गुड्स बनाना और वाई गुड्स बनाना, दोनों बनाना चीपर है, लेकिन बट जो कॉस्ट है उसमें डिफरेंट है, डिफरेंस है। इसका मतलब एक्स बनाना बहुत ज्यादा सस्ता है जबकि वाई बनाना कंपेरेटिवली कम सस्ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों इक्वल कॉस्ट डिफरेंस तब कहलाएगा जब किसी भी देश में एक देश दोनों गुड्स को बनाने में चीपर हो लेकिन उनके बीच का जो कॉस्ट है वो डिफरेंट, वो सेम है। देखिए यहां पे मैं आपको फिर से समझा देता हूं, एग्जांपल हमें दिया हुआ है, एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस के बारे में। देखिए मैं आपको सिंपल समझाने का प्रयास करूंगा, अपने हिसाब से बना रहा हूं। मान लीजिए वन यूनिट ऑफ लेबर है, वन यूनिट ऑफ लेबर यानी कि एक ही यूनिट है लेबर की, हम ये मान के चल रहे हैं। अब एक लेबर ऑफ यूनिट में इंडिया जो है, इंडिया वो बना सकता है 20x और 10y, कुछ भी उनसे बनवा लो। इसी तरीके से नेपाल जो है वो बना सकता है 10x और 20y। तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया में एक एक्स बनाना की कॉस्ट जो है वो 0.5y के बराबर है, यानी कि इंडिया अगर एक एक्स को बनाता है तो उसको 0.5y सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जबकि नेपाल में एक्स बनाने की जो कॉस्ट है वो 2y के बराबर है। कैसे पता किया भाई? एक्स निकालने के लिए एक्स अगर हम इसको बराबर मान ले और मतलब बराबर हो गया एक तरीके से, तो 10x इक्वल टू 20y, तो x इक्वल टू 2y। इसी तरीके से यहां पे y की कॉस्ट जो है वो 2x के बराबर है और यहां पे y की कॉस्ट जो है वो 0.5x के बराबर है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इंडिया में जो कॉस्ट है वो x बनाने की सस्ती है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, जबकि नेपाल में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज वाई गुड्स को बनाने में है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए हमारे पास टू यूनिट ऑफ लेबर हो जाती है, हम मान लेते हैं टू यूनिट ऑफ लेबर हो जाती है,
तो हमारे पास दो ऑप्शन है. नंबर वन, आइदर वी इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड और हम क्या करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे. दूसरा, हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते और स्पेशलाइजेशन भी नहीं करते. उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस पता करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार इंटरनेशनल ट्रेड करने से कोई फायदा है भी या नहीं है. तो देखिए, मैं आपको एक टेबल बना के समझा देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा टेबल के माध्यम से. ठीक है जी, यहां पे टेबल समझा देते हैं. देखिए, बिल्कुल आराम से समझिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों, मुझे ऐसी उम्मीद है आप बच्चों से. यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स गुड्स ले लेते हैं और वाई गुड्स, यहां पे भी एक्स गुड्स एंड वाई गुड्स. एक्स गुड्स एंड वाई गुड्स, ठीक है. ओके, यहां पे हम ले लेते हैं एक्स गुड्स. तो यहां पे हम लिख लेते हैं बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड और यहां पे लिख लेते हैं आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड और इस जगह लिख लेते हैं गेन फ्रॉम ट्रेड. गेन फ्रॉम ट्रेड, देखिए अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हुआ है, अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हुआ है, इंडिया और नेपाल के पास अब मान लीजिए दो दो लेबर आ गए, मतलब इंडिया के पास भी एक दो लेबर है और नेपाल के पास भी दो लेबर है, हमने मान लिया कि लेबर जो है वो डबल हो गया. तो इंडिया क्या करेगा, एक्स और वाई दोनों बनाएगा, यानी कि एक एक्स एक लेबर से इंडिया 20x बना सकता है, तो एक्स में 20 लिख दिया और अब एक लेबर से इंडिया 10y बना सकता है तो 10y लिख दिया. इसी तरीके से नेपाल 10x बना सकता है और 20y बना सकता है, इसका मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन 30x होगा, 30y होगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, यानी कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन होगा वो 30x का और 30y का होगा. आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया जो है वो वाई नहीं बनाएगा और नेपाल एक्स नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों के दोनों स्पेशलाइजेशन करेंगे. इंडिया एक्स में स्पेशलाइजेशन करेगा, नेपाल वाई में स्पेशलाइजेशन करेगा. अब इंडिया जो है वो बनाएगा 20x प्लस 20x, क्योंकि दोनों लेबर क्या करेंगे, एक्स को ही बनाएंगे, यानी कि लेबर की जो वन यूनिट है वो भी एक्स बनाएगी, लेबर की दूसरी यूनिट भी एक्स बनाएगी, इसका मतलब ओवरऑल जो प्रोडक्शन होगा वो 40x का होगा. इसी तरीके से नेपाल के पास दो यूनिट ऑफ लेबर है, क्योंकि हमने यहां पे माना है दो यूनिट ऑफ लेबर है, तो एक यूनिट भी 20xy बनाएगा, दूसरा यूनिट भी 20y बनाएगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कॉन्स्टेंट रेट एंड टू स्केल लगता है, इसलिए ओवरऑल प्रोडक्शन होगा 40y का, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितना होगा 40x का और 40y का. अब हम पता करें कि आखिरकार हमारे इंटरनेशनल ट्रेड करने से कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ. तो पहले 20x का प्रोडक्शन हो रहा था, अब 40x का प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब 20 का गेन हो गया. ठीक है जी, इसी तरीके से यहां पे मैं प्लस लगा देता हूं आपके कहने पर, ये पहले 10 हो रहा था अब 0 हो रहा है, माइनस 10 का लॉस हो गया. इसी तरीके से पहले यहां पे 10 का फायदा हो रहा था, 10 का प्रोडक्शन हो रहा था, अब 0 का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब 10 का लॉस हो गया. नेपाल की बात करें बच्चों, तो नेपाल में पहले 20 हो रहा था, 40 हो रहा है वाई का, तो ये 20y हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल 10x का फायदा हुआ और 10y का फायदा हुआ. तो थ्योरी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो ये वाला है, दिस इज कॉल्ड गेन फ्रॉम ट्रेड, यानी कि 10x और 10y का फायदा हो गया गेन फ्रॉम ट्रेड से. इसी बात को आप एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू भी दिखा सकते हो. मैं यहां पे तो यहीं पे एक डायग्राम बना लेते हैं. देखिए, डायग्राम हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू दिखाने का प्रयास करेंगे. एक्स गुड्स और वाई गुड्स,
क्योंकि हम कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल लेके चल रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी, और हमारा जो पीपीसी बनेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर बनेगा, वो बिल्कुल सीधी लाइन में बनेगा इस तरीके का। तो ये बता रहा है कि एक वाई जो है, वन वाई वो 0.5x के बराबर है, वन वाई 0.5x के बराबर है नेपाल में, और वन वाई 2x के बराबर है इंडिया में। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया एक एक्स के, एक वाई के लिए, यानी कि एक वाई को अचीव करने के लिए 2x से कम देना चाहेगा, और नेपाल एक वाई को बेचकर 0.5x से ज्यादा प्राप्त करना चाहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सारा का सारा हिस्सा गेन फ्रॉम ट्रेड है, ये सारा का सारा हिस्सा गेन है फ्रॉम ट्रेड। तो बच्चों ये सारी की सारी थ्योरी तो हमने आपको बताई है, वो एडम स्मिथ की है। एडम स्मिथ ने बताया कि जो कंपैरेटिव, जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, उसकी वजह से दोनों देशों को फायदा होगा, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड करना हमेशा फायदेमंद रहेगा, अगर आप फ्री ट्रेड करते हो तो फायदे का सौदा है। बात करें बच्चों रिकार्डो की, रिकार्डो का जो थ्योरी है, रिकार्डो ने जो बनाया था उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिफरेंस कॉस्ट। कंपैरेटिव के डिफरेंस कब कहलाएगी, जब इंडिया में वन यूनिट ऑफ लेबर बना पा रहा है इंडिया में 20x और 10y, और नेपाल बना पा रहा है 10x और 8y। यानी कि इस केस में इंडिया x बनाने में भी और y बनाने में भी नेपाल से ज्यादा बेटर है, लेकिन x बनाने में ज्यादा बेटर है। कैसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंडिया में x बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, x बनाना पड़ेगा 0.5y के बराबर, ठीक है जी, x बनाने की कॉस्ट आएगी 0.5y, जबकि यहां पे x बनाने की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 0.8y। इसका मतलब इंडिया जो है वो x बनाने में ज्यादा बेटर है। y बनाने की बात करें, इंडिया में y बनाना जो है वो 2x के बराबर है, जबकि यहां पे y बनाना 1.25x के बराबर है। भाई डिवाइड करना आपको आता ही होगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब इंडिया में एक्स बनाना कंपैरेटिवली सस्ता है नेपाल के मुकाबले, मतलब इंडिया जो है वो एक्स और वाई बनाने दोनों में अच्छा है, लेकिन एक्स में ज़्यादा अच्छा है और वाई में कम अच्छा है। तो एक काम करते, अगर विशिष्टीकरण करना होता है, अगर स्पेशलाइजेशन करने की बारी आएगी, तो इंडिया जो है वो एक्स में स्पेशलाइजेशन करेगा, यानी कि केवल एक्स गुड्स बनाएगा, और जितनी वाई की जरूरत है वो नेपाल से ले लेगा। नेपाल वाई गुड्स बनाएगा और जितनी जरूरत है उसको वो इंडिया से ले लेगा, जितनी एक्स की जरूरत है। तो एक बार हम देखते हैं कि गेन फ्रॉम ट्रेड किस तरीके से होगा, और यहां पे हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। बच्चों देखिए, ये हम ले लेते हैं, यहां पे हमने लिख लिया बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, यहां पे लिख लिया आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, और यहां पे है गेन फ्रॉम ट्रेड। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है जी, यहां पे हम लिख लेते हैं एक्स गुड्स, वाई गुड्स, एक्स गुड्स, वाई गुड्स, एक्स गुड्स, वाई गुड्स।
यहां पे आपको लिखना है इंडिया, नेपाल टोटल। इंडिया जो है वो अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता तो दोनों गुड्स बनाएंगे, और हमने यहां पे मान लिया 2 यूनिट ऑफ लेबर हो गई है हमारे पास, 2 यूनिट ऑफ लेबर, पहले 1 यूनिट था अब 2 यूनिट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया 20x भी बनाएगा और 10y, नेपाल बनाएगा 10x और 8y, टोटल जो है वो बनेगा 30x और 18y आफ्टर ट्रेड, क्योंकि अगर इंडिया जो है वो केवल x गुड्स बनाएगा, y नहीं बनाएगा, तो y तो 0 बनेगी लेकिन x बनेगी 40, क्योंकि दोनों के दोनों लेबर x बनाएंगे जबकि 1 यूनिट 20x बनाने को तैयार है। इसी तरीके से क्योंकि 1 यूनिट लेबर की 8y बना सकता है तो 2 यूनिट लेबर की 16y बनाएंगी। इसका मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन 40x का और 16y का होगा। बात करें अगर हम दूसरी तरफ गेन फ्रॉम ट्रेड की, तो पहले बन रही थी हमारी 20x और अब बन रही है 40। इसका मतलब 20 का फायदा हो गया, नुकसान जो है आप देख पा रहे हो 10 का नुकसान हो गया। वाई की बात करें तो पहले 10 बन रहा था, अब 0 है, तो इसका मतलब वाई को 10 का नुकसान हो गया, जबकि एक्स में 8 का फायदा हो गया। तो ओवरऑल जो है वो 10 का फायदा यहां पे है और 8-2 का नुकसान आपको यहां पे दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर हम बात करें बिल्कुल सिंपल शब्दों में, तो आप जैसे देख पा रहे होंगे ओवरऑल जो गेन है वो 10x का है और 2y का है। अगर हम इंडिया के टर्म में बात करें तो इंडिया के टर्म में 10x और 2y जो है, 1y जो है इंडिया में वो बैठ रही है 2x के बराबर, यानी कि ओवरऑल जो गेन है अभी भी इंडिया के हिसाब से 6x के बराबर गेन है अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। यानी कि ओवरऑल आपको लग रहा होगा कि 2 का नुकसान है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो ओवरऑल फायदा है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड करना फायदे का सौदा है। इसी बात को अगर हम इंडिफरेंस करके शुरू दिखाने की कोशिश करें और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू बताने की कोशिश करें, इंडिफरेंस नहीं सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में नीचे लिख देंगे हम एक्स गुड्स, ऊपर लिख देंगे वाई गुड्स, और सीधी लाइन पीपीसी इसलिए बनाए क्योंकि हमारे पास में ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। इस केस में 1y जो है वो 2x के बराबर है इंडिया में, इंडिया में, और नेपाल में है 1.25x के बराबर। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये नेपाल में है, क्योंकि दोनों में कॉस्ट डिफरेंस है इसलिए 1y को प्राप्त करने के लिए, 1y को अचीव करने के लिए, 1y को गेट करने के लिए इंडिया 2x देने को तैयार है, जबकि नेपाल उसके लिए 1.25 प्राप्त करने से ज्यादा मिलेगा तभी वो ट्रेड करेगा। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। भाई मैं कह रहा हूं कि मैं 2x देने, 2x से कम दूंगा, आप कह रहे हो 1.25x से ज्यादा लूंगा, तो ठीक है हमारे बीच में ट्रेड हो जाएगा कोई ना कोई पॉइंट पर। और ये वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा कहलाएगा गेन फ्रॉम ट्रेड, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, गेन फ्रॉम ट्रेड कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों हमने समझा कि चाहे एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस हो चाहे कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस हो, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस का मतलब दोनों में एक एक्स में अच्छा दूसरा वाई में अच्छा, कंपेरेटिव का मतलब एक व्यक्ति दोनों में अच्छा पर दोनों में कंपेरेटिव डिफरेंस है। अगर दोनों में एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस है, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस है, तब देखो ट्रेड करना क्या फायदेमंद सौदा है कि नहीं है। एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस का मतलब है कि इंडिया 20 यूनिट ऑफ एक्स बना सकता है या 10 यूनिट ऑफ वाई बना सकता है 1 यूनिट ऑफ लेबर में। इसका मतलब 1 यूनिट जो है वो 2x और 0.5y के बराबर हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेपाल 10x बना सकता है या 5y, यानी कि आप देखिए इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूं, 20x बना सकता है या 10y। नेपाल जो है वो 10x बना सकता है या 5y। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इंडिया जो वाई बना रहा है
उसके लिए उसको 2x का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नेपाल को भी 2x का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इंडिया में x बनेगी 0.5 और यहां पे भी बनेगी 0.5। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में हालांकि इंडिया जो है वो ज्यादा x और ज्यादा y बना सकता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ रहा है? बेसिकली फर्क पड़ रहा है कॉस्ट के डिफरेंस से। तो यहां पे तो कॉस्ट में कोई डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड करना फायदे का सौदा नहीं होगा। वो मैं आपको बना देते हैं, हम थोड़े समय के लिए ये मान लेते हैं इंडिया, चलिए एक्स में, अब इंडिया जो है वो एक्स में अपने आप को मजबूत करेगा हर बार की तरह, और नेपाल जो है वाई में अपने आप को प्रोडक्शन करेगा। और हम ये मान लेते हैं कि 2 यूनिट हो गई है लेबर की, 2 यूनिट ऑफ लेबर हो गया है। उसी तरीके से बच्चों हमें अपनी टेबल बना लेते हैं जैसे पहले हमने आपको बनाई के दिखाई थी। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स और वाई, यहां हम लिख देते हैं बिफोर आफ्टर और यहां पे गेन। तो बच्चों इंडिया जो है वो बना सकता है 20x और 10y, नेपाल बना सकता था 1 यूनिट ऑफ लेबर में, अब यहां पे 2 यूनिट ऑफ लेबर हो गई है। अच्छा मैंने लिख दिया, ठीक है। नेपाल बना सकता था 10x और 5y, टोटल मिलाकर हमारी बनती थी 30x और 15y। ये तब की बात है जब हमारा ट्रेड नहीं हो रहा था, ट्रेड हो गया और इंडिया ने केवल एक्स बनाई, वाई बनाई ही नहीं, जबकि नेपाल ने एक्स नहीं बनाई केवल वाई बनाई, तो टोटल प्रोडक्शन हो गया 40x और 10y। फायदे की बात करें तो इंडिया को देखो पहले 20 था, अब 40 है, तो इसका मतलब 20 का फायदा हो गया, इंडिया ने 20x ज्यादा बना लिया अपने आप से, जबकि नेपाल में जो है वो सॉरी वाई में 10 का नुकसान हो गया। इसी तरीके से पहले बन रही थी 10x, अब बनेगी 0x, इसका मतलब 10x का नुकसान हो गया, जबकि पहले 5y बन रही थी अब 10y बनेगी, तो आपको 5y का फायदा हो गया। ओवरऑल आप देखोगे तो 10x का फायदा और 5y का नुकसान, लेकिन जो y है वो 2x के बराबर है, इसका मतलब 10x का फायदा प्लस 5y का नुकसान, लेकिन जो y है वो तो 2x के बराबर है, इसका मतलब ओवरऑल जो फायदा है वो कितना हुआ? 0 हुआ। यानी कि अगर दोनों में इक्वल कॉस्ट है, यानी इक्वल कॉस्ट डिफरेंस है, यानी कि इंडिया में भी वही कॉस्ट बनाने की कीमत पड़ रही है जो नेपाल में पड़ रही है, दोनों गुड्स की जो कॉस्ट है उसका डिफरेंस इक्वल है, चाहे इंडिया दोनों में गुड्स बनाने में अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी इंटरनेशनल ट्रेड करने से किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा। बच्चों डायग्राम अगर की बात करें तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता सकता हूं कि इंडिया और नेपाल दोनों में ही एक्स गुड्स और वाई गुड्स की बात करें तो इंडिया और नेपाल दोनों में ही आप देख सकते हो कि 2x के बराबर है 1y। इसका मतलब चाहे वो इंडिया हो चाहे वो नेपाल हो, किसी भी देश को इंटरनेशनल ट्रेड करने से फायदा नहीं होगा। तो बच्चों समरी क्या है? समरी ये कहती है इस थ्योरी की कि अगर किसी देश के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो इंटरनेशनल ट्रेड होने की जो मुख्य वजह है, जो मेन कॉजेज है, वो है कॉस्ट का डिफरेंस होना। तो 3 तरीके कॉस्ट उन्होंने बताई, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस और इक्वल कॉस्ट डिफरेंस। अगर इक्वल कॉस्ट डिफरेंस है तो इंटरनेशनल ट्रेड करने से किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रेड करने का फायदा केवल तभी होगा जब या तो एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंट हो या कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस हो। बच्चों इस थ्योरी की कुछ मान्यता आलोचनाएं भी है, कुछ क्रिटिसिज्म भी है, वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरी में मान के गया है कि 2 ही कंट्री है और 2 ही गुड्स है, जबकि रियल लाइफ में आप देखोगे तो गुड्स 2 से ज्यादा हैं, कंट्री भी 2 से ज्यादा है, इसलिए थ्योरी जो है वो बहुत ही छोटे लेवल पे लागू होती है, क्योंकि
इसके अलावा लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें केवल लेबर को ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया है, लेकिन आप जानते हो कि केवल लेबर को बढ़ाने से प्रोडक्शन दुगना हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बाकी के फैक्टर भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। इसके अलावा इसने लेबर की सभी यूनिट को होमोजीनियस माना है, ये भी गलत अजम्पशन है, क्योंकि जैसे जैसे आप ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हो आपको लेस एफिशिएंट लेबर का भी यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लागू होगा। इसके अलावा इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग प्रोडक्शन रिटर्न को इन्होंने इग्नोर किया है, यानी कि आपने पढ़ा होगा तीनों स्टेज होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होती है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल होती है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होती है, उन्होंने कॉन्स्टेंट को एज्यूम कर लिया जो कि बिल्कुल गलत है। इसके अलावा इन्होंने माना है कि दे आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री, यानी कि एक देश के अंदर साधनों को दुगना किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, देश के अंदर साधन इमोबाइल भी होते हैं। अब मैं साउथ के किसी स्टेट में जाके तो रहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरी बोलचाल भाषा खान पान सब अलग है। इसी तरीके से देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने में कई तरीके के बैरियर होते हैं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं है कि कोई जाता नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कहीं बात नहीं की, यानी कि उन्होंने कहा कि नेपाल से इंडिया सामान आ जाएगा, इंडिया से नेपाल सामान चला जाएगा, लेकिन कहीं पे भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसकी बारे में इन्होंने बात नहीं की। इसके अलावा गवर्नमेंट अनेक तरीके कंट्रोल करती है इंटरनेशनल ट्रेड पर, इस थ्योरी को डेवलप करते समय कहीं पे भी इस बात की चर्चा नहीं की गई कि आखिरकार कितने जो बैरियर हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड पे लगेंगे। इसके अलावा ये रॉन्ग अजम्पशन पर बेस्ड है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन की रॉन्ग अजम्पशन पर बेस्ड है। इसके अलावा बच्चों इसमें केवल डिमांड साइड की बात की गई है, सॉरी सप्लाई साइड की बात की गई है, यानी कि प्रोडक्शन दुगना हो जाएगा लेबर को दुगना करने पर डिमांड आएगी कि नहीं आएगी इस बारे में कोई बात की नहीं गई है बच्चों। तो ये सारी की सारी इसकी क्रिटिसिज्म है, लेकिन फिर भी ये थ्योरी जो है वो एक तरीके का बेस है इंटरनेशनल ट्रेड का, यानी कि ये थ्योरी हमारे लिए एक बेस है जो बताती है कि इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह कॉस्ट का डिफरेंस होना है। बच्चों मैं इस वीडियो में इतना ही आपको करा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।